मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। हेलो हेलो, मालिक बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर। सलमान खान के ट्रेनर ने क्या राज खोले? सलमान ने अपने फैंस को क्या सलाह दी है? क्या कहानी है सलमान के जिम की? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जैसी बॉडी बनाना किसका सपना नहीं होगा। वो सलमान खान ही थे जिन्होंने इंडस्ट्री में शर्टलेस और एब्स का ट्रेंड शुरू किया था। और आपने अगर मजधार मूवी देखी है तो आप देखेंगे कि उस मूवी में भी सलमान की बॉडी कुछ खास नहीं थी। और इसीलिए आज हम बताने जा रहे हैं ऐसे सीक्रेट्स जिससे आप भी सल्लू जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सलमान खान के फिटनेस एक्सपर्ट राकेश उदयार ने एक्टर की फिटनेस के सीक्रेट्स खोले हैं। राकेश सलमान के साथ साल 2010 से जुड़े थे, जब फिल्म वीर की वजह से सलमान का वेट काफी बढ़ चुका था और उन्हें वापस अपनी शेप में लाने के लिए राकेश ने काफी हेल्प की थी। एक इंटरव्यू में राकेश ने सलमान की फिटनेस के बारे में बताया। सलमान ने यंग एज में ही कार्डियो की आदत डाल ली थी जब वो नेशनल लेवल के स्विमर थे और आज डेली कार्डियो करते हैं। वेट ट्रेनिंग पर जाने से पहले अपने दिन की शुरुआत एक लंबी वॉक से करते हैं। वेट उठाने में सलमान काफी ध्यान रखते हैं क्योंकि वो हैवी वेट से लेकर मॉडरेट तक के वेट लिफ्ट करते हैं और हर एक्सरसाइज के कम से कम 10 से 15 वेरिएशन करते हैं और हर एक्सरसाइज के 5 सेट मैं सलमान खान से लगवाता हूँ। राकेश ने बताया कि सलमान खान एक्सट्रीम डाइट और वर्कआउट को फेवर नहीं करते हैं, इसीलिए मैं सिंपल और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज ही करवाता हूं। और अगर आप खुद भी एक टोन बॉडी पाना चाहते हैं तो सलमान के एक्सपर्ट की इन बातों को फॉलो जरूर करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्लिम या टोन बॉडी पाने के लिए यंग जनरेशन काफी शॉर्टकट्स अपनाती है, जैसे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना। लेकिन सलमान खान नहीं चाहते कि उनकी फैंस इस रास्ते पर कभी ना चले, इसीलिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने फैंस के लिए एक स्पेशल मैसेज दिया है और उनको स्टेरॉइड्स ना लेने की सलाह दी है, क्योंकि स्टेरॉइड से लीवर और किडनी पर काफी बुरा असर पड़ता है और हार्ट अटैक तक आ सकता है। सलमान का कहना था कि आजकल कई स्पोर्ट्समैन और यंग बॉयज स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन उससे उनको बॉडी को सिर्फ नुकसान ही होता है। एक्टर का मानना है कि आप जितनी नेचुरल डाइट लेंगे आप उतने ज्यादा फिट रहेंगे, लेकिन अगर स्टेरॉइड का यूज करेंगे तो उससे आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा और आपका हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, इसीलिए स्टेरॉइड का यूज नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर आप खुद सलमान खान को ही देख लीजिए, क्योंकि पिछले कितने सालों से एक्टर जिम में जाकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसे किसी शॉर्टकट को उन्होंने नहीं अपनाया था। इस एज में भी सलमान की फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सलमान और जिम की कहानी कुछ अलग ही है, क्योंकि सलमान शुरू से ही फिल्म स्टार बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी बनवाया था, लेकिन उनके दुबले पतले शरीर के कारण उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला था और उन्होंने जिम जाकर अपनी बॉडी बनाने का डिसीजन किया। लेकिन उनके फादर सलीम खान को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन हमारे सुपर हीरो ने अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प से भैया जिम ज्वाइन किया। लेकिन ये जिम कोई सेलिब्रिटीज वाला जिम नहीं था, जबकि उसी टाइम पर सनी देओल और कुछ और एक्टर्स ऐसे जिम जाते थे जिनकी एनुअल फीस 10,000 रुपए थी। और भैया जिम मुंबई के बांद्रा में लोकेटेड है और आज भी वहां सलमान खान की पिक्चर्स लगी हुई हैं। और आप सलमान के डाई हार्ट फैन हैं, लग्जरी जिम को नहीं बल्कि एक अच्छे जिम को ज्वाइन करके परफेक्ट बॉडी पा सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, इस बार मजधार मूवी को सलमान की टोंड बॉडी सुपर हिट बना पाएगी? डू कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सलमान खान एंड हिज मूवीज प्रेस द बेल आइकन नाउ। थैंक यू।